रावण अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों के साथ पुष्पक विमान से पर्वतों के ऊपर भ्रमण करने के लिए चल पड़ा था, परंतु आकाश में उड़ता हुआ वह पुष्पक विमान एक पर्वत शिखर के पास जाकर अपने आप रुक गया। विमान के अचानक इस तरह रुक जाने के कारण रावण बड़ा ही परेशान हो गया। वह विमान के इस तरह रुक जाने का कारण तलाश ही रहा था, तभी भगवान शंकर के गण नंदी, जो उस समय वानर के रूप में थे, रावण के पास आकर कहते हैं कि इस पर्वत शिखर पर भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए यहां से सभी का आना जाना बंद है। एक वानर को ऐसा कहते देख अहंकारी रावण जोर से हंसकर नंदी का उपहास करने लगा। तब नंदी ने क्रोध में आकर रावण से कहा कि तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, अतः तेरे कुल का विनाश वानरों के हाथों से होगा। नंदी का यह श्राप सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने यह निश्चय किया कि वह इस पर्वत के शिखर को उखाड़ कर ले जाएगा। फिर रावण ने विमान से नीचे उतरकर उस पर्वत शिखर को अपनी बलशाली भुजाओं से उखाड़ने का प्रयत्न किया। रावण के ऐसा करने से पर्वत हिलने लगा, जिससे भगवान शंकर के सभी गणों के साथ देवी पार्वती भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गए। तब भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से उस शिखर को दबा दिया था, जिससे रावण की भुजाएं उस शिखर के नीचे दब गई थी और वह जोर से चिल्ला पड़ा था। रावण की उस चीख से दसों दिशाएं गूंज उठी थी। जब रावण बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी भुजाओं को पर्वत के नीचे से नहीं निकाल पाया, तो रावण के मंत्रियों ने रावण को सलाह दी कि वह भगवान शंकर की स्तुति करके उनकी शरण में जाए, उनके सिवाय आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मंत्रियों की यह बात सुनकर रावण उसी अवस्था में 1000 वर्षों तक भगवान शिव की स्तुति करता रहा। उसके बाद जब भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हुए, तब उन्होंने रावण की भुजाओं को मुक्त करके उससे यह कहा था, तुमने अपनी भुजाएं दबने से जो रव अंतर्नाद किया था, उससे तीनों लोकों के प्राणी विचलित हो गए थे, इसलिए अपने उस रव के कारण आज से तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे।